अस्सलाम वालेकुम आई होम मेकर क्वींस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये ट्यूसडे आफ्टरनून का क्लिप है, तो हमने आफ्टरनून में डायरेक्ट लंच ही किया था, ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और आज मैं बनाने लगी थी चिकन ब्रोस, तो मैंने ना चिकन का चरगा निकाल के रख दिया था लंच बनाने से पहले। अब मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वाइट विनेगर ऐड करूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, और इसको ना बस इन्हीं दो इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए रख देंगे और उसके बाद बनाएंगे। तो इसको मैं मिक्स करके रख दूँगी अच्छी तरह से। इससे ये होता है कि स्मेल जो होती है ना चिकन की, वो निकल जाती है अच्छी तरह। तो ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, जब भी आप कोई रोस्ट या ऐसी कोई चीज़ बना रहे हो ना, तो फिर आपने ज़रूर करना है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। 15 से 20 मिनट रखने के बाद देखिए, मैंने ऑयल को कर लिया है गरम, और इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी दोनों साइडों से। बहुत देर तक हमने फ्राई नहीं करना, लाइट सा कलर देना है जस्ट। तो अब ये है कि दोबारा से मैं ग्लव्स पहन लूँगी, तो इसकी मैरिनेशन रेडी करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए योगर्ट, और योगर्ट ली थी मैंने 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं है, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून योगर्ट लिया था। और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है इसके अंदर। उसी के साथ 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 लेमन का जूस ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, सॉल्ट ऐड करूँगी 1 टीस्पून, और मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करूँगी चुटकी बराबर। और उसके बाद मैं 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड करूँगी इसके अंदर। इसके साथ मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा फूड कलर। इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। तो टिक्का मसाला मैंने शान का लिया, 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड किया है, और टोमेटो केचप 4 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दही के अंदर। तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। तो मैंने इसको सुबह में ही मैरिनेट कर दिया था। जब आपने शाम में बनाना हो तो आप सुबह में कर दें, अगर सुबह में बनाना है तो फिर आप नाइट में ही करके रख दें। तो मैं देगची के अंदर ही मैरिनेट करूँगी जिसके अंदर मैंने बनाना है, ताकि ज़्यादा बर्तन गंदे ना हो। आप भी इसी तरह कीजिएगा, जिस देगची के अंदर आपने ये ब्रोस्ट बनाना है उसी के अंदर मैरिनेट करके रख दीजिएगा। तो अब ये सारा मसाला मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से लगा के तो मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, बहुत ही टेस्टी बनता है, और इसको मैं नानों के साथ सर्व करूँगी। अच्छा, ये थर्सडे का क्लिप है, थर्सडे का डे जो था यहाँ पे बारिश का अमकान था, लेकिन बारिश तो हुई नहीं थी और स्कूल की छुट्टी दे दी थी। ओमान वाले परेशान हो जाते हैं, फ़ौरन से स्कूल्स की छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो बस ये मैरिनेट कर दिया था, और इसको अब क्या कहते हैं, ढक के रख देंगे। अच्छा, हस्बैंड जा रहे थे लुलू, उनको कुछ काम था। ये देखें, अब थोड़े थोड़े बादल आए हुए थे इस टाइम पे, और ये दोपहर का टाइम हो रहा था, तो बस बारिश हुई नहीं थी लेकिन अमकान ज़रूर था। तो मैं पहुंच गई जी स्विस अरेबियन, और यहाँ पे मैंने ना मस्क लेना था एक, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, तो हस्बैंड ने मुझे फ़ौरन ही ले दिया। उन्होंने कहा चलो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो मैं तो जस्ट देखने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे लेकर ही दे दिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह का लाई हूँ। अच्छा, ये जो मस्क होते हैं, ये जो क्या कहते हैं, अरेबियन खातून होती है ना, वो बॉडी पे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो ये क्रीम टाइप सा होता है, आप इसको लगाएं तो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। तो ये मैंने लिया था, और ये मुझे मिला था स्विस अरेबियन से 5 रियाल का। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा था। और बस अब मैं आ गई थी, और दोपहर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और आज मैं आपको इतना ज़बरदस्त ड्रिंक सिखाने लगी हूँ, गुड़ का। तो गुड़ मैंने ले लिया है, और इसको मैंने ना क्या कहते हैं, चूरा कर लिया है। 1/2 कप गुड़ चाहिए हमें इसके लिए। ये ड्रिंक इतना अच्छा है कि गर्मी में जो लू वगैरह लगती है वो बिल्कुल नहीं लगने देता अगर आप इस ड्रिंक को पियेंगे। तो इसमें मैं ऐड करूँगी जी क्या कहते हैं, 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची पाउडर थोड़ा सा,
और दो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े ऐड करूँगी और दो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो थोड़ा सा ऐड करेंगे। और इसमें मैं तकरीबन 3 से 4 ग्लास क्या कहते हैं पानी ऐड करूँगी और 1 लेमन का जूस ऐड किया था। और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। अब हमने क्या करना है, तुख मलंगे को पहले ही भिगो के पानी में मैंने रख दिया था और बर्फ़ डालेंगे अब गिलासों के अंदर और ठंडा ठंडा इसको सर्व करेंगे। ये बिल्कुल गन्ने के जूस की तरह बन जाता है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है गर्मियों में। तो ये देखें, इसको छान के आपने निकालना है, बगैर छाने नहीं निकालना। कितना अच्छा ये ड्रिंक बन जाता है। तो बस इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि बाहर से आए थे। तो आज शाम में जी मैंने गुड़ वाले चावल बनाए थे और चरगा हमारा मैरिनेट हुआ रखा था, तो इसको मैंने बस चूल्हे के ऊपर एज इट इज़ रख दिया और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ना ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल कर दिया था। और अब मैं इसको ना क्या कहते हैं कुक कर लूँगी। स्टीम करना है हमने, तो दोनों साइडों से ये स्टीम हो जाएगा, पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें जी, मज़ेदार सा हमारा चरगा बनके जी हो गया था, स्टीम चरगा बनके रेडी हो गया था। तो बस ये बना के तो मैं हस्बैंड का करी थी वेट कि वो कब नान लेके आए तो हम इसे खाएं। तो बस नान आ गए थे तो सैलेड भी बना लिया था और ये मेरी फ्रेंड सालन लाई थी तो वो भी साथ ले लिया था। साथ में मैं रद ड्रामा देख रही थी। डिनर से फ्री होने के बाद जी हम लोग हर थर्सडे नाइट को निकल जाते हैं, ये रूवी के पास ही है, हम यहाँ पे आते हैं स्वीट खाने। तो यहाँ से लेती हूँ मैं जलेबियाँ और गरम गरम चाय और इसको एंजॉय करते हैं। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।